हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग ओशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लारावेल के जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन होता है वहाँ पे आप सिर्फ ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर वहाँ पे ईमेल की जगह यूज़र नेम से लॉगिन करना चाहे तो कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप लारावेल में ईमेल और यूज़र नेम दोनों को एक साथ यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लारावेल का एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है और ये लारावेल मेरा 7.0 वर्जन है और डेटाबेस का सेटअप मैंने यहाँ पे कर लिया है। ये रहा मेरा डेटाबेस का नाम। तो लारावेल का फ्रेश प्रोजेक्ट तो तैयार है, अभी यहाँ पे लारावेल का जो ऑथेंटिकेशन है उसको सेटअप करना है। तो मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो अभी हम लारावेल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद सिक्योरिटी टैब के अंदर ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके राउटिंग के अंदर आपको ये दो कमांड मिलेगा। ये दो कमांड को यूज़ करके आप ऑथेंटिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, अभी ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी दूसरा कमांड को रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज़ रन npm इंस्टॉल एंड npm रन dev। तो इसके लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना होगा। Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपको npm इंस्टॉल और npm रन dev रन करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल कर लिया है, तो आप भी Node.js इंस्टॉल कर लीजिए। करने के बाद ये दो कमांड को रन कीजिए। तो अभी सेकंड कमांड को रन करते हैं। तो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लारावेल UI का एक पैकेज यहाँ पे आ गया है, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम ऐप में जाएंगे, HTTP कंट्रोलर, देखिए auth बोल के एक फोल्डर आ चुका है और इसके अंदर वो सभी कंट्रोलर्स मौजूद है और यहाँ पे यूज़र का मॉडल है। तो इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। तो देखिए लारावेल के प्रोजेक्ट में लॉगिन और रजिस्टर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम बोल के एक फील्ड हमें ऐड करना होगा, तो चलिए वो पहले करते हैं। रिसोर्सेस, व्यूज, ऑथ, देन रजिस्टर, ईमेल एड्रेस जो है ठीक इसके नीचे हम यूज़र नेम को ऐड करेंगे। तो मैं ईमेल एड्रेस वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे ईमेल एड्रेस के जगह पे हम यूज़र नेम लिख देते हैं, टाइप यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट, आईडी ईमेल को हटा देंगे, जहाँ जहाँ पे ईमेल है वहाँ पे हम यूज़र नेम कर देंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यूज़र नेम हमारा यहाँ पे आ गया है। तो फ्रंट एंड का सेटअप तो कर लिया हम लोगों ने, अभी बैक एंड को सेटअप करना है। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्टर बटन पे जब क्लिक होगा तो जो रजिस्टर कंट्रोलर कॉल होता है वहाँ पे चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ऑथ के अंदर जो रजिस्टर कंट्रोलर है इसको ओपन करते हैं। तो रजिस्टर कंट्रोलर पे अभी हम यहाँ पे देखिए वैलिडेटर जो मेथड है इसके अंदर वैलिडेशन है, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम का वैलिडेशन लगाएंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ईमेल के जगह पे हम अल्फा भी कर सकते हैं, या आपका जो यूज़र नेम का फॉर्मेट होगा आप यहाँ पे रेजेक्स के यूज़ करके यहाँ पे आप वैलिडेशन कर सकते हो। मैक्सिमम 255 को चेंज करके मैं 75 करता हूँ और यूनिक हमारा यूज़र्स जो टेबल है वहाँ पे ही होगा,
और यहाँ पे मैं कॉमा देके मेरा जो कॉलम नेम है वो यूज़र नेम होगा, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको सेव कर लेते हैं। अभी नीचे देखिए क्रिएट जो मेथड है, यहाँ पे ईमेल जो डेटाबेस में सेव होगा उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़र नेम मैं ऐड कर दूँगा। तो ये दो चेंजेस आपको रजिस्टर कंट्रोलर में करना है, यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया और यहाँ पे यूज़र नेम को ऐड कर दिया। तो अभी डेटाबेस का जो माइग्रेशन है वहाँ पे जाके हम लोग सेटअप करते हैं। डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशंस, यहाँ पे देखिए क्रिएट यूज़र्स बोल के एक फाइल जेनरेट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ईमेल का जो कॉलम है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड करके मैं ईमेल को चेंज करके यूज़र नेम एक कॉलम हम ऐड कर दिया। तो अभी हम यूज़र के मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे फिलेबल जो है यहाँ पे यूज़र नेम को ऐड कर देंगे। सेव कर लिया। तो यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लिया है, तो अभी डेटाबेस को माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पे रजिस्टर को रिफ्रेश करते हैं, ये फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं। तो मैंने यूज़र नेम का जो वैलिडेशन है वहाँ पे मैंने अल्फ़ा यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे मैंने अल्फ़ा यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। देखिए ये ठीक से काम कर रहा है, यूज़र नेम मे ओनली कॉन्टेन लेटर्स, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लगाया है इसलिए। अभी रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लॉग आउट करते हैं। तो अभी आप ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लेते हैं। ईमेल से मेरा लॉगिन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे ईमेल और यूज़र नेम दोनों में से कोई एक देके लॉगिन करना चाहते हैं, तो चलिए अभी इसको करते हैं। कंट्रोलर में जाने से पहले हम लोग HTML सेटअप कर लेते हैं। रिसोर्सेस, व्यूज, ऑथ, लॉगिन, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। ईमेल एड्रेस / यूज़र नेम चेंज करके टेक्स्ट कर देते हैं। तो हमारा HTML का सेटअप हो चुका है, तो अभी लॉगिन कंट्रोलर पे जाके वहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो लॉगिन कंट्रोलर पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेट यूज़र्स बोल के जो है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम बोल के एक मेथड होगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ईमेल है ये डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। हम यही मेथड को लॉगिन कंट्रोलर पे कॉल करके वहाँ पे जो जो चेंज करना है यहाँ पे करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, तो पहले इनपुट का जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं। इनपुट का जो नाम है लॉगिन वो हमने यहाँ पे दिया है, तो इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है इनपुट में जो वैल्यू आया है वो ईमेल फॉर्मेट में है या कोई अदर फॉर्मेट में है। अगर ईमेल फॉर्मेट में है तो हम ईमेल को रिटर्न करेंगे, और अगर अदर फॉर्मेट होता है तो वो हमारे हिसाब से यूज़र नेम होगा, तो हम यूज़र नेम को रिटर्न करेंगे।
तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। लॉगिन पे जाते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, देख ही सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है। सेव कर लिया, रिलोड करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे यूज़र नेम देके चेक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए लॉगिन हो चुका है। लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉगिन पे जाते हैं, ईमेल से भी लॉगिन हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन पे ईमेल एड्रेस के साथ साथ यूज़र नेम को भी इम्प्लीमेंट करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरीके का वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस तरीके का और भी वीडियोज़ फ्यूचर में अपलोड करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।